गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रा, बैकग्राउंड में गाड़ी की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि हम अभी पार्किंग में हैं। अभी समय हो गया है दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो आज संडे, तो आज कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत घूमने जाएंगे। तो आज अभी प्लान करा है, हमें एक प्लेस जो मिली है वो हमें घूमने के लिए, वो हम वहाँ पर जा रहे हैं। धूप बहुत तेज है तो इस वजह से हम बोला नहीं जा रहा, गाड़ी के अंदर आपको सारी चीज़ें बता देंगे। तो चलो अभी गाड़ी के अंदर बैठते हैं, टू व्हीलर साइड लगाते हैं और फोर व्हीलर से चलते हैं। तो गाइस, गाड़ी की सफाई करनी पड़ गई, थोड़ी सी गंदी हो रही थी। आज संडे में हम जाते हैं और गाड़ी वाले भैया संडे वाले दिन ही नहीं आते, तो हमें भी गाड़ी दोपहरी में साफ करनी पड़ गई। चलो कोई बात नहीं, अभी हम निकल रहे हैं, एक डेस्टिनेशन है वो मैं चलते हुए बताऊंगा। अभी उसके लिए तैयारी हो चुके हैं, अभी निकल रहे हैं। भाई ये फायदा है संडे में थोड़ा घूमने का, ट्रैफिक नहीं मिलता गाइस बिल्कुल भी, रोड खाली पड़ी है, देख रहे हो दूर दूर तक मतलब गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये है ट्रैफिक में जो भसड़ होते हैं ना वो चीज़ नहीं है। अभी आपने कुछ ब्लॉग पहले देखा होगा, हम देहरादून से रिटर्न कर रहे थे, तो मैं दिल्ली टू मेरठ एक्सप्रेस वे पे चढ़ गया था, तो वहाँ पर मैंने एक रेस्टोरेंट देखा था जो कि एरोप्लेन के अंदर था, जिसका नाम है हवा हवा आई। आज गाइस उसी चीज को हम विजिट करने जा रहे हैं और मुझे देखने में बहुत अच्छा लगा, तो मेरा मन करो उसको भी क्यों नहीं विजिट किया जाए। वैसे लोकेशन अच्छी है और मेरा ब्लॉग भी हो जाएगा और थोड़ा कुछ घूम भी लेंगे, संडे है। और अभी जो डेस्टिनेशन है यहाँ से रह गई है 16 किलोमीटर। मैं थोड़ा सा अपनी पेट पूजा करने से पहले गाड़ी की भी पेट पूजा करा लेते हैं। अभी आए हम पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल डलवाते हैं, सॉरी डीजल डलवाते हैं, फिर आगे। अब ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से एक्सप्रेस से। तो गाइस ये देख रहे हो राइट हैंड पे जो ये वॉल चल रहा है साथ में, ये अपना है दिल्ली टू मेरठ एक्सप्रेस वे। अभी हम आगे जाके इससे जुड़ जाएंगे, इसके ऊपर आके फिर कंटिन्यू अपनी स्पीड बन जाएगी। भाई एक्सप्रेस वे पे गाड़ी चलाने का अलग ही मजा आता है, एकदम लल्लन टॉप गाड़ी लगती है। ये लो भाई हम चढ़ गए एक्सप्रेस वे पे, और अब एक्सप्रेस वे पे चढ़ने के बाद हमें दिखा रहा है यहाँ से 12 किलोमीटर। तो चलो गाइस चलते हैं। अभी बज गए हैं 3:45 और हम पहुंच चुके हैं उसी रेस्टोरेंट पे, हवा हवाई रेस्टोरेंट, जो कि मैं आप लोगों को बता रहा था। और एक चीज़ नहीं पता लगी है यहाँ पर आके कि ये जैन शिकंजी वालों का रेस्टोरेंट है। उधर भी चलो इसका भी आज विजिट करते हैं प्लेस का, और यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी देखते हैं। चलो अंदर। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ हवा हवाई रेस्टोरेंट से, जो कि मेरे नियर ही है। अभी मैंने यहाँ पे कम्युनिकेशन किया था, 500 रुपये पर हेड चार्जेस किए जा रहे हैं, जो कि कुछ उसमें इटेबल फूड भी दिया जाएगा। अभी अंदर चल के देखते हैं क्या चीज़ मिलेगी क्या नहीं। वैसे दिखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, पर पता तो अंदर ही लगेगा क्या है क्या नहीं। Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematics. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck. भाई धूप में खड़े खड़े तेल निकल गए। I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't undo. I'm taking six shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost.
बस टिकट ले चुके हैं, 500 रुपये पर हेड है। लेकिन एक और यहाँ पे नई चीज़ देखने को मिल रही है कि 30 मिनट का वेटिंग करना पड़ेगा, उसके बाद हमें एंट्री मिलेगी। कुछ रहते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन, तो एंट्री में आपको टिकट भी दिखा दूँगा। तो टिकट कुछ इस तरह से दिखता है, और आधे घंटे बाद हमें एंट्री मिलेगी। तो अभी आधा घंटा वेट करते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो इस बात ये है कि जो आधा घंटे का वेट हो रहा है, जस्ट एरोप्लेन के नीचे ही बिठा के वेट कराया जा रहा है। लोकेशन अच्छी है, फैमिली के साथ आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। अभी आपको बैक कैमरे से व्यू दिखाता हूँ। ये देखो भाई, एरोप्लेन के नीचे ही सीटिंग प्लेस बना रखा है, और यहाँ पर वेटिंग करवाया जाता है। वेटिंग के बाद जब भी नंबर आता है तो इस स्टेयर के द्वारा ऊपर ले जाया जाता है। तो गाइस हमें बुलाया गया है ऊपर। ये पूरा सिटिंग प्लेस है आउटसाइड का, और ये अपने इधर से एंट्री गेट शुरू होती है, और ये थे बाबा। तो गाइस अपना ऑर्डर आ चुका है, अभी इसको ड्रिंक करते हैं। अभी टाइम हो गया है 3:30। तो गाइस हमारी सिंगापुरी चाउमीन आ गई है, अभी इसको खाते हैं और आगे फिर नेक्स्ट ऑर्डर और देते हैं। भूख लग रही है भाई बहुत जोर की। अभी टाइम हो गया है 3:30 भाई, पेट हो गया एकदम लपालप, सारी चीज़ ख़त्म कर दी भाई, कुछ नहीं छोड़ा भाई। अभी देखो बिल आता है और यहाँ से फिर चलते हैं। तो भाई खाना वाना तो अपना हो गया है। अंदर से पेट पूजा कर ली गाइस, अभी धूप बहुत भयंकर हो रही है, और अभी जा रहे हैं हम पार्किंग के लिए, गाड़ी निकालते हैं अभी घर के लिए। तो गाइस यहाँ की कुछ ऐसे रूल्स हैं, गाड़ी के अंदर चल के बताता हूँ भाई। यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही है, तो गाड़ी के अंदर बैठ के आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। तो गाइस बात ये है कि पहले तो टाइम बता दूं, 5 बज गए हैं गाइस, हम वहां से निकल गए हैं, अपना पेट पूजा अच्छी कर ली थी। तो गाइस यहाँ के रूल रेगुलेशन क्या है, फर्स्टली टिकट है यहाँ का 500 रुपये पर हेड का लगेगा, वीकेंड सैटरडे और संडे का 500 रुपीज़ का चार्ज है, अदर डेज में 200 का चार्ज है। जो हमसे फीस ली जाती है 500 और 200 रुपीज़, इनका अंदर खाने में एडजस्ट हो जाता है। तो ये चीज़ मुझे नहीं पता लगी यहाँ पर आके कि वीकेंड 500 का चार्जेस है, और हम भी वीकेंड में आए हैं तो हमारा भी 500 पर हेड का चार्जेस है। तो कोई नहीं, लेकिन ये खाने पीने में एडजस्ट हो गया था, खाना बहुत अच्छा था, कुछ वैरायटियां ऑप्शन में थी, ज़्यादा नहीं थी। गाइस जैसे देख रहे हो मैप को बार बार राउटिंग ले रहा है, और ये कह रहा है कि नीचे उतारो गाड़ी को, हालांकि हम हाईवे पे चल रहे हैं, कह रहा है नीचे उतारो। अब नीचे भाई कहाँ से उतारो, इस हाईवे से मैं कोई कट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और ये कह रहा है बस नीचे का रास्ता दिखा रहा है।
तो भाई कोई रास्ता मिलेगा तभी तो नीचे उतारूंगा मैं। गूगल बाबा को छोड़ो भाई, अब देखते हैं अपने माइंड से कैसे नीचे उतरना है कैसे नहीं। ये तो पागल बना रहा है मैं भाई, दिखा दो भाई गाजियाबाद 31-9। लेकिन क्या है, यहाँ से उतरना है क्या गाजियाबाद सोनीपत? तो समझ में ही नहीं आ रहा यार। ऐसे इतनी जल्दी तो नहीं उतरना चाहिए। इधर से कोई रास्ता नहीं दिखा रहा था। दिल्ली तो मेरठ से अब पेरिफेरल पर आ गए हैं। अब पेरिफेरल से अब हम उतर जाएंगे दुबई पे और दुबई से सीधा अपना गाजियाबाद। अभी कुछ टाइम पहले अगर आपने कुछ मेरे कुछ पहले वाले ब्लॉग देखे होंगे जो कि हरिद्वार और देहरादून से रिटर्निंग के थे, तो मैंने इसी हाईवे को यूज़ किया था आते समय। अभी देखो ये पता नहीं कहाँ से रास्ता दिखा रहा है, पता नहीं क्या क्या दिखा रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है। बार बार राउटिंग कर रहा है। तो भाई ये रहा गाजियाबाद का साइन और ये गाजियाबाद से अब नीचे उतर जाएंगे। ये आ गया भाई अपना, अब यहाँ से अपना सीधा घर के लिए रास्ता निकल जाएंगे। बस अब थोड़ी देर में घर पहुँच जाएंगे अब। तो भाई एक्सप्रेस को करते हैं यहीं टाटा बाय बाय और आ जाते हैं अपने नॉर्मल रोड पे। इधर भी सूरज देव तो अपने घर जाने वाले हैं और टाइम हो गया 5:20, हम भी अपने घर जाने वाले हैं। तो वैसे इस वीडियो को करते हैं यहीं खत्म। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। भाई बाइक पे अंकल बैठे ना पीछे विदाउट हेलमेट, ट्रैफिक पुलिस वाले इसको ही देख रहे थे और उसकी हवा टाइट हो रही थी कि ये मुझे ना रोक ले।